आप જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। हाँ, मेरा नाम किरीट सोलंकी है। मैं 15 साल से फुटबॉल कोचिंग में हूँ और ये अंडर 5 अंडर 6 मतलब सबसे छोटे बच्चे जो 4.5 ईयर के भी बच्चे हमारे पास आते हैं, जो ग्रास रूट बोला जाता है, इनको इतना मालूम नहीं है कैसे खेला जाता है, लेकिन एज सिखाते हम लोग कि सामने वाले गोल पोस्ट पे बॉल ले जाना है और उसको शूट करना है। धीरे 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 वो कंटिन्यू रखते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है। 2-3 साल के बाद वो मैच्योरिटी थोड़ी बहुत उनमें आ जाती है कि टीम इस तरह से बनेगी, मतलब सब लोग साथ में रहते हैं तो टीम वर्क अच्छा ही बनेगा। और आप ट्रेनिंग कैसे देते हो इन बच्चों को? ट्रेनिंग में ऐसा है मैम कि हमारा 1.5 आवर का रहता है। फर्स्ट 30 मिनट हम रनिंग एक्सरसाइज बराबर, उसके बाद ड्रिल एक्सरसाइज विद बॉल एंड लास्ट 30 मिनट भी हम मैच खिलाते हैं। नहीं, इसमें ऐसा है कि 10 बच्चे आते हैं, उसमें 2-3 ही बच्चे मतलब शार्प हो जाते हैं, बाकी सब उसको देख देख के सीखते हैं, तो उसमें 2-3 साल लग जाता है। तो आई थिंक ये 1 ईयर से तो हमारे पास, तो 1 ईयर से वो टूर्नामेंट खेलने के लिए कैपेबल हो गए। अब ये सब देखेंगे, टूर्नामेंट ज़्यादा खेलेंगे तो उनको धीरे धीरे समझ में आएगा। अंडर 7 में ये आपके विनर हैं। हाँ, उनके लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे जो चीयर अप करने के लिए या फिर उनको कुछ? बच्चों को क्या होता है कि जीते खुश है, तो हर बार जीतना जरूरी भी नहीं हो जाता, तो ये मैं तो यही सोचता हूँ कि हर बार 1 पॉइंट से भी जीते तो उनको खुशी है ना, दूसरी मैच में वो ज़्यादा खिलाएगी कि भाई चलो खेलना है, जीतना है। चीयर अप के लिए तो ऐसा होगा कि ये लोग कंटिन्यू खेलेंगे तो उनमें और अच्छा ग्रो हो जाएगा कि कैसे खेलना है, गेम में समझ आ जाएगी, कंटिन्यू रहना जरूरी है हर एक चीज़ में। थैंक यू। अनुकूल जाना, कहानी से कोचिंग करता हूँ और सिंस 14 ईयर्स से कोचिंग कर रहा हूँ, और ये सारे बच्चे जो है हमारे पास अंडर 7-8 से है। तो अभी जो ये लोग अंडर 13-8 कैटेगरी खेल रहे हैं, उन लोगों का प्रैक्टिसिंग मोस्टली 7-8 साल से है। सो बाकी अपने और भी टीम्स है जिसमें अंडर 7 है, अंडर 9 है, अंडर 11 है, अंडर 13 है, तो हर कैटेगरी में हमारे टीम्स है, दो टीम्स है। कितने साल से आप कोचिंग कर रहे हो? 14 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ ये कहानी में, सिंस 2006 से काम कर रहा हूँ। और मैं ऐसे AIFF से जो सी लाइसेंस कोच हूँ, गोल कीपिंग बी लाइसेंस कोच हूँ, और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी ग्रास रूट में, अच्छा है डेवलप। थैंक यू स्टार न्यूज़ एंड स्टार बेबी लीग, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, तो हमारे बच्चे को एक्सपीरियंस मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। थैंक यू। અમારું નામ કુલદીપ ગઢવી છે અને હું એકલવ્ય જોડે એકલવ્ય ફૂટબોલ ક્લબ ચલાવું છું, અને આ છોકરાઓ મારી પાસે લગભગ છેલ્લા 6-7 વર્ષથી રમે છે। આ બહુ સારી ટીમ છે એન્ડ વી પ્રાઉડ ઓન ધેમ, દે આર પ્લેઇંગ વેરી નાઇસલી એન્ડ વી વિશ કે આના પછીનું સ્ટેજ પણ એ લોકો ઘણું આગળ સારી રીતના રમી શકે। આ હજી બહુ ગ્રાસરૂટ લેવલની ટુર્નામેન્ટ છે એન્ડ વી વિશ કે એ લોકો આગળ જતાં સારી અંડર 19 ઓપન કેટેગરીની નેશનલ્સ ને બધું રમે, અને આ બેઝિક ટ્રેનિંગ છે, આ એમના માટે એક બહુ નવું ફોર્મેટ છે, એન્ડ વી વિશ કે આગળ જઈને ખૂબ આગળ સારું રમે। થેન્ક યુ।